शैला मसूद हत्याकांड की मुख्य आरोपी जाहिदा अब भी अपने आप को निर्दोष बता रही है। जाहिदा ने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट के कोर्ट में परखच्चे उड़ जाएंगे। जाहिदा के मुताबिक सीबीआई ने चार्जशीट में जगह जगह शैला से जलन होने की बात कही है, मगर वो इस जलन को कैसे साबित करेगी? उसका हाथ नहीं है क्या? हाँ। शुरू से आगे हम तो आपसे पुरानी कहावत ऐसा, हम तो अचानक से बीच में आए। हाँ। और आरोपी हो गए, मैं तो मेन आरोपी हो गई भाई। सीबीआई ने तो ऐसी चार्जशीट दी है कि उसके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। कहाँ से लाएंगे वो सबूत? पड़ी तो होगी चार्जशीट आपने? पड़ी ना चार्जशीट। सबूत कहाँ से लाएंगे? मुझे यदि जलन होती तो पूरी 10 महिलाओं से होती, पूरी 15 से होती। 15 से एक से क्यों होती, ऐसा ये कहना? और उससे जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिससे मैं कभी मिली नहीं, बात नहीं करी, वंदना ने बात करी है। हाँ। है ना, बात करी जिससे मर्डर हुआ, जिससे मैं कभी मिली नहीं, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, इसकी गवाही तो उससे एक एक घर वाला देगा। आगे हम आपसे पुरानी कहावत है, हम तो अचानक से बीच में आए। हाँ। और आरोपी हो गए, मैं तो मेन आरोपी हो गई भाई। सीबीआई ने तो ऐसी चार्जशीट दी है कि उसके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। कहाँ से लाएंगे वो सबूत? पड़ी तो होगी चार्जशीट आपने? पड़ी ना चार्जशीट। सबूत कहाँ से लाएंगे? मुझे यदि जलन होती तो पूरी 10 महिलाओं से होती, पूरी 15 से होती। 15 से एक से क्यों होती, ऐसा ये कहना? और उससे जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिससे मैं कभी मिली नहीं, करी वंदना ने बात करी है। हाँ। है ना, क्या बात करी है? जिससे मर्डर हुआ, जिससे मैं कभी मिली नहीं, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, इसकी गवाही तो उससे एक एक दूसरे घर वाला देगा। अच्छा। जाहिदा ने कहा कि वो शैला को जानती तक नहीं और ना कभी उससे मिली है। जाहिदा ने सवाल उठाया कि सीबीआई ने चार्जशीट में जगह जगह शैला से जलन की बात कही है, अगर उसे शैला से जलन होती तो उन सभी महिलाओं से होना चाहिए थी जिनके ध्रुव से संबंध है, जलन अकेले शैला से ही क्यों? मैं कभी मिली नहीं, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, इसकी गवाही तो उससे एक एक दूसरे घर वाला देगा। अच्छा। से जानती हूँ, सबूत कहाँ से लाएंगे? मुझे यदि जलन होती तो पूरी 10 महिलाओं से होती, पूरी 15 से होती। 15 से जुडिशरी सिस्टम पे पूरा भरोसा है। हाँ। दोषी भले ही बच जाए पर निर्दोष कभी नहीं होता। हाँ। दोषी भले ही बच जाए पर निर्दोष कभी नहीं होता। अच्छा। हम फंसेंगे नहीं, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। कैसे साबित करेंगे जलन को, कैसे साबित करेंगे ये देखना? वो लिखा है ना उन्होंने जगह जगह जलन की, ये था वो था। जलन आपने सही बोला कि 15 से होती जलन, एक से क्यों होती? शुरू से आखिरी तक उस केस में किसी का नाम था है ना, अचानक से वो नाम बिल्कुल साफ हो गया और मैं पता नहीं कहाँ से पिक्चर में आ गई। तरुण विजय का कुछ इन्वॉल्व है क्या? जुना राम का उसको पहले दिन से है ना, पहले दिन से उसको क्लीन चिट दे दी गई ना? पता नहीं, पता नहीं दी है नहीं दी, क्या है क्या चल रहा है। तो आपने चार्जशीट पढ़ी होगी ना? चालान पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? चार्जशीट में नाम नहीं होने से इससे नहीं तो थोड़ी क्लीन चिट दे दी। अच्छा। जाहिदा ने एक बार फिर सीबीआई पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। जाहिदा ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि बेगुनाह भले ही बच जाए मगर कोई निर्दोष नहीं फंस सकता। बहरहाल मामला अभी लंबा चलेगा, मगर देखने की बात होगी कि मामले में आगे और कितने नए पेंच उभर कर सामने आते हैं। बीटीवी न्यूज के लिए अंकुर जायसवाल की रिपोर्ट।